एमपी के गुना में वावड़ी खेड़ा आश्रम गांव में पिछले कई वर्षों से बिजली एवं पानी नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि एनएफएल प्लांट बना था, तब से वह इस गांव में रह रहे हैं। ग्रामवासियों का कहना है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तो हमारे गांव में कई नेता आते हैं, परंतु चुनाव हो जाने के बाद में कोई नहीं आता। अभी राघोगढ़ नगर पालिका के चुनाव नजदीक है, अब देखना यह है कि गाँव कब तक अंधेरे में पड़ा रहेगा और कौन इस बदनसीब गाँव की सुनवाई करेगा। क्या क्या समस्या आती है यहाँ? लाइट की, सड़क पानी की। अच्छा, लाइट कब से नहीं है? 25 साल हो गया। 25 साल से आप अंधेरे में ही हो अभी? हाँ, मतलब अंधेरे में ही चमने को जाओ। हाँ, और एक पानी की ज्यादा समस्या है, लाइट पानी की। बड़ी खेड़ा आश्रम पे लाइट नहीं आ रही सर, हमें कम से कम 25 साल हो गया। मतलब 25 साल से अभी तक लाइट नहीं आई है? हाँ, लाइट कहाँ है सर? अच्छा अच्छा कोई मतलब पानी की सुविधा भी नहीं है और लाइट के ना। कितने घर हैं इस गांव में? यहाँ 14-15 घर है सर। मतलब गांव गांव पास में है यहाँ से? हाँ, गांव पास में। तो मतलब गांव से थोड़ा दूर है, बावड़ी खेड़ा आश्रम के नाम से है ये। हाँ सर। तो कोई अधिकारी वगैरह आया है, उससे बताया आपने इसका, इसके बारे में? जयवर्धन सिंह के पास पहुँच गए थे, सब पहुँच गए थे हम, लेकिन उन्होंने कोई सुविधा नहीं करी हमारी। क्या बोलते हैं वो? वो बोलते हैं कि यही कहते हैं हम डलवा देंगे, डीपी लगवा देंगे बस। तो आप मतलब जब जयवर्धन सिंह जी आपकी सुनवाई नहीं कर रहे थे, हाँ, तो आप जिला कलेक्टर के पास भी जा सकते थे? गए आप कभी जिला कलेक्टर के पास में? गए पूरा में? हाँ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।